मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। घर लेने का मन बना रहा हूँ पर महंगाई और भरोसा परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सुना था कि कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अनऑथराइज्ड हैं। अब परेशान ना हो क्योंकि आगरा में पहली बार मान्यता प्राप्त 3 BHK डुप्लेक्स तुलसी बजट विला जिसमें छत भी आपकी और जमीन भी। सरकारी खर्चे में विशेष छूट के साथ 80% तक लोन सुविधा, चौड़ी सड़कें, हरा भरा माहौल, 24 घंटे पानी व बिजली सुविधा, सुविधाजनक सीवेज लाइन, सोलर स्ट्रीट लाइट, साइकिल ट्रैक, रेन वाटर ड्रेनेज और हार्वेस्टिंग की सुविधा भी। टेम्पल फ्लैट्स रेडी। तुलसी बजट विला अ प्रोजेक्ट ऑफ तुलसी ग्रुप, बोधला, बिचपुरी रोड, पथौली, जयपुर हाईवे। बुकिंग के लिए संपर्क करें 8192074444। आई रिपीट 8192074444। क्वालिटी हमारी। नव निर्माण जागृति संस्था द्वारा मंगलवार को जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर संस्था की सभी महिला पदाधिकारी मौजूद रही और कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। है उसके बारे में आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि जो आप ये उद्देश्य लेकर आई है हम इस पर अमल करेंगे और ध्यान देंगे और सभी स्कूल में आदेश भी करेंगे कि जो नेट से इसको जोड़ के ये पता लगा दिया जाए इन बच्चों के माँ बापों को, उनके बच्चे स्कूल में आए हैं तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। ये गवर्नमेंट स्कूल है या यूपी बोर्ड स्कूल है, उनको वहाँ पे ठोका लगे होते हैं गेट पे, वहाँ पे बिजली तमाकू सिगरेट रखते हैं वो ना लगाए जाए। और वहाँ पे लड़के खड़े रहते हैं, कमेंट करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, तो यही ज्ञापन दिया है आज कलेक्टर से। तो यहाँ से क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है, बोला है कि हम हटाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी महोदय की गैर मौजूदगी में सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन को स्वीकार किया और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की बात कही। संस्था की महिलाएं आई थी, सदस्य महिलाएं आई थी और उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो विद्यालय हैं खासतौर से जो इंटरमीडिएट स्कूल तक के, उनको नेट कनेक्टिविटी से जोड़ करके सारे अभिभावकों को उसे जोड़ा जाए जिससे उन बंक करने की प्रवृत्ति जो बच्चों में है उस पर लगाम लगे और अभिभावकों को ये पता चल सके कि उनका बच्चा विद्यालय गया है कि नहीं या विद्यालय से उसने बंक कर लिया है। और दूसरा उनका ये था, ये एक मांग है कि पान गुटके और इस तरह की जो दुकानें हैं स्कूल प्रिंसेस के आसपास उसमें जो है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। इस पर जो है ये उचित स्थान ये निश्चित कर दिया गया है और इसमें सम्यक कार्रवाई शीघ्र ही करेंगे। आपको बता दें कि नव निर्माण जागृति संस्था का ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य अधिकतर कॉन्वेंट स्कूलों व हिंदी मीडियम स्कूलों का नेट कनेक्टिविटी से ना जुड़े होने के बारे में अवगत कराना था, खासकर गर्ल्स स्कूल, जिससे उन्हें अपनी बच्चियों की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो वहीं स्कूलों के आसपास फास्ट फूड की दुकानों व पान सुपारी तंबाकू सिगरेट बीड़ी आदि पर भी रोक लगाने के बारे में अवगत कराना था। अब देखने वाली बात ये होगी कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए शासन प्रशासन इस पर कितनी जल्द कार्यवाही करता है। अर्थ न्यूज के लिए अधिराज सिंह की रिपोर्ट।
घर को बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके कोयल पेंट्स ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आए कोयल पेंट्स सुल्तानगंज के पुलिया बाईपास रोड आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल कोयल, मोबाइल नंबर 9897135351। कौन तेरे बेटे की इतनी औकात कि ठाकुर भानु प्रताप की बेटी से आंख मिचौली करे। इसका फैसला कल पंचायत करेगी। इसको तब तक मारो जब तक ये मर न जाए। अगर उर्मी को कुछ हुआ तो तुम दोनों भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। मैं बनारस का पान हूँ हल्का सा के। ठाकुर भानु प्रताप सिंह का खून इतना पतला नहीं, उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा।